नगर विद्युत व्यवस्था के संबंध में नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में मोहद्दीपुर स्थित बिजली विभाग के जोन कार्यालय के सभागार में विद्युत विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की गई। नगर में जर्जर पोल, छतों के ऊपर से गुजरते हुए हाई टेंशन तार व बांस बल्लियों पर चलने वाली बिजली आदि समस्याओं को लेकर SDO स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। नगर में विभिन्न समस्याओं के संबंध में जानकारी देते हुए उसे समय रहते दुरुस्त करने का नगर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं आगामी बैठक में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। कार्य में लापरवाही बरतने और अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। इस दौरान चीफ इंजीनियर देवेंद्र सिंह, प्रोडक्शन इंजीनियर सी वर्मा, अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरी वितरण मंडल गोरखपुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हम कौन होते हैं देने वाले? आपको सूचित किया गया था कि वो नहीं रहेंगे? कौन है आपका अधीक्षण अभियंता का? मिठिया में सब आ गया वो? नहीं सर, वो अच्छा सिंहपुर सहबाजगंज का जंगल हकी मानते हैं जी। और शालिग्राम है सर। और राप्ति नगर, मेरे हमारे घर की बिजली की वोल्टेज के नाते हमारा फ्रिज खराब हुआ है, हमारा स्टेबलाइजर खराब हुआ है मेरा अपना। क्या मुझको कंज्यूमर फोरम में मुकदमा करना चाहिए? तब आप हमको फ्रिज और स्टेबलाइजर देंगे? अगर आपके हाई वोल्टेज के नाते नागरिकों के विद्युत उपकरण खराब हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नंबर एक विषय ये। नंबर दो विषय ये, बार बार हम लोगों को फोन करना पड़ता है ट्रांसफार्मर को लेकर के। ट्रांसफार्मर का जो एक्सियल स्टोर है यहाँ है, आपने आँख में पैदा किया, आपने पैसा लिया है, आपने कनेक्शन दिया है, आपने मीटर जोड़ा है। आप न चाहते तो नहीं होता। आपने बता दिया 40 मीटर के ऊपर नहीं लग सकता है। 5 लाख का एस्टिमेट आएगा, 4 लाख का एस्टिमेट आएगा, 3 लाख का एस्टिमेट आएगा। अब उसके बाद वो मजबूर होता है आपसे कनेक्शन लगवाने के लिए और आप लगाते हैं। अगर आपको मालूम था कि 40 मीटर के ऊपर नहीं लगना है तो आपने लगाया क्यों? आपने बताया, माहौल पैदा किया और माल बेचा, अपना धन कमाया और नागरिक मरे तो आपसे मतलब नहीं। उसको किसी क्षेत्र के बारे में पता ही नहीं रहता है, कब बिजली आई कब बिजली गई। 200 बार मैंने उसको बताया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कुछ लड़ाइयां हमने बिजली विभाग को लेकर लगातार लड़ी हैं उसकी दृष्टि से 1,83,00,000 रुपया स्वीकृत करने की सूचना हमको दी थी, जबकि पैसा उसको अभी तक आया नहीं है, आएगा क्योंकि माननीय मंत्री जी ने लिखित सूचना दी है कि हमारे क्षेत्र में बेहतरी के लिए 1,83,00,000 रुपया उन्होंने दिया। लेकिन मुझे स्वयं ये लगता था कि ये 1,83,00,000 रुपया काम तो उससे होगा, हम आभारी हैं उनके, लेकिन पूरा काम नहीं होगा। पूरा काम होने के लिए हमें और पैसा चाहिए होगा और पूरा काम होने के लिए डिपार्टमेंट के पास एक्चुअल रिपोर्ट होनी चाहिए कि वास्तव में काम है कितना। डिपार्टमेंट के पास जमीनी धरातल पर अब तक फाइनल रिपोर्ट ऐसी कोई थी नहीं, तो आज हम लोगों ने इन अधिकारियों को टास्क दे दिया है, पूरे हमारे विधानसभा का डिटेल सर्वे करके ये इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। आगामी 17 तारीख को हम लोग पुनः बैठेंगे और वास्तव में कितने रुपए की हमें ज़रूरत है इसका एक खाका तैयार करेंगे और जो 1,83,00,000 रुपया आया है हम उसकी प्राथमिकता भी तय कर लेंगे कि किन किन क्षेत्रों में प्राथमिकता पर काम किया जाना जरूरी है, उसको हम पहले करवा लेंगे। और बचे हुए कामों के लिए 20 तारीख के बाद से विधानसभा खुलने जा रही है, हम लोग विधानसभा में भी सरकार के प्रतिनिधि इन बातों को रखेंगे। माननीय मंत्री जी बहुत सुहृदय हैं गोरखपुर को लेकर के, माननीय श्रीकांत शर्मा जी, हम उनके भी आभारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और पावर कॉरपोरेशन के पास एक बहुत अच्छा MD है, इस समय CMD है।